आज मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर के मसों पे लगाने वाली बहुत इफ़ेक्टिव सी एक क्रीम देने जा रही हूँ, जो इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप इसे दिन में 3 से 4 बार लगाएंगे तो आपके मसों में जलन और दर्द वाली समस्या ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे मसे भी बिल्कुल सूख के ख़त्म हो जाएंगे। ये रेमेडी मैं कई सारे कमेंट्स में, जब हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं तो उनको मैंने पहले ही बता के लिख के दिया है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना के लेके आई हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये क्रीम आप कैसे घर में बना सकते हैं। बहुत आसान सी विधि है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाए तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाया करे। तो देखिए, इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा। जैसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स जब आते थे, मैंने सारे व्यूवर्स को बताया भी है कि एलोवेरा जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है ये पाइल्स की बीमारी के लिए। आपको ये एलोवेरा खाना भी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी दिया है कि अगर आप इसका 1 चम्मच डेली खाते हैं तो बवासीर पाइल्स ऐसी समस्या जो होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ये अंदर से मलहम का काम करता है, जो अंदर के घाव होते हैं उन्हें भी सुखाने का काम करता है। तो आप इस तरह से 1/2 इंची जो एलोवेरा है इसको आप छील के सुबह सुबह खाली पेट खाया भी करिए। और इसकी क्रीम कैसे बन रही है तो देखिए, इसको हम किस तरह से काट लिए हैं और इसको साइड से जो काटे होते हैं उसको निकाल देना है और इसके बीच जेल जो होता है बीज का में निकाल लेना है। ये फ्रेश एलोवेरा आप घर में लगा लीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है, कई सारी बीमारियों में भी ये काम आता है। और इसको आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे कि डायबिटीज़ है और अर्थराइटिस है, ऐसी बीमारियाँ भी इस एलोवेरा से दूर हो जाती हैं। तो ये देखिए हम किस तरह से छील रहे हैं, बस ऐसे नाइफ से आप इसको छील दीजिए। छील के आपको निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो बीच में जेल होता है बहुत सावधानी से निकालिए, जेल भी बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आ भी जाता है तो स्पून से स्क्रैच करके पूरा निकाल लीजिएगा। ये देखिए अब ये जेल आ गया है। तो चलिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इसमें और क्या मिक्स करेंगे जिससे बहुत इफेक्टिव सी क्रीम बन जाए। तो देखिए स्पून से निकालेंगे तो आपको इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये इसके पीसेस होते हैं मोटे मोटे, बहुत चिपचिपे से होते हैं जिसको पीसने में और उसको मैच करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से स्पून से देखिए जिस तरह से खुरच के निकाल रहे हैं, तो इस तरह से निकालेंगे तो ये जेल जैसा ही निकलेगा, नहीं तो इसके जब टुकड़े आ जाते हैं ना तो उसको फिर आपको पीसना पड़ेगा या फिर स्पून से अच्छे से मैच करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टिपिकल हो जाता है क्योंकि बहुत चिपचिपा सा होता है, आसानी से पिसता भी नहीं है। फिर आपको मिक्सी के जार में डाल के इसको जेल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे स्पून से जब स्क्रैच करेंगे तो ये जेल की तरह ही देखिए किस तरह से निकल रहा है। तो ऐसे ही खुरच खुरच के आप इसको निकालिएगा दबा दबा के, जिससे ये बिल्कुल लिक्विड जैसा निकले। तो ये देखिए इस तरह से निकल गया है सारा जेल। तो बस ऐसे ही जेल हम निकाल लेंगे कम से कम 1 चम्मच के करीब। जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप इसे बनाएंगे तो इसे 3 से 4 बार दिन भर में लगाइए। अगर आप चाहें तो इसे बना के इकट्ठा रख के आप स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। आप इस तरह से बना के किसी बॉटल में भर के रख सकते हैं फ्रिज में आराम से, और जब भी आपको लगाना हो तो बस आप इसे हल्का सा गुनगुना करेंगे और आप इसे फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। तो ये जेल हमारा बन गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी बहुत ही बढ़िया सी होती है क्योंकि ये नरिशिंग का काम करता है, घाव को सुखाने का काम करता है, तो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो आप कोकोनट ऑयल भी इसमें, जैसे हमने लिया है देखिए 1 से 1.5 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल है, तो ऐसे 1 चम्मच हम यहाँ पे नारियल का तेल भी ले लेंगे। तो ये कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव है, तो आप इससे क्रीम बनाइए। तो चलिए अब हम कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड करते हैं और फिर इसे कैसे हमें पकाना है, कैसे इसको हमें तैयार करना है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत आसानी से बन जाएगा, आप इसे बनाइए। ये देखिए अब चलिए अभी बन गया। तो अब इसमें हम नारियल का तेल मिला लेते हैं। तो देखिए कैसे ले रहे हैं, स्पून से ही आप नाप के लीजिए, यानी जितनी क्वांटिटी में आप जेल लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आपको नारियल का तेल भी लेना है। दोनों बराबर बराबर मात्रा में आपको रखना है। तो देखिए 1 चम्मच के करीब, थोड़ा सा ज़्यादा होगा जेल, तो यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं पूरा 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे जब पकाएंगे तो ऐसे भी जो जेल है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसको मैं पका लेना है, हल्का गुनगुना करके आप इसे अप्लाई करेंगे तो इसका बहुत बढ़िया आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। तो देखिए इसे हमने गैस पे रख दिया है, अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पे इस तरह से पका लेंगे। बस 1 से 2 मिनट ही आपको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। बहुत जल्दी से ये देखिए इस तरह से ये पकड़ने लगता है। तो आँच को बिल्कुल लो पे करके आप इसे धीरे धीरे 1 से 2 मिनट के लिए इसे मिक्स कर दीजिए, जिससे एलोवेरा जेल और नारियल तेल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए अभी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे फिर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से चलाते हुए इसे ठंडा कर दीजिए, यानी बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना, हल्का गुनगुना ही आपको अप्लाई करना है।
तो अभी देखिए हल्का गुनगुना रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए हमने पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहले सिकाई करते हैं, उसके बाद कोई क्रीम आप इस पर अप्लाई करिए, सिकाई करिए, ड्राई करने के बाद आप फिर क्रीम अप्लाई करिए। इस क्रीम को आप 3 से 4 बार लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये क्रीम बिल्कुल नेचुरल है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। अगर ये मसों पे लगा रहे हैं, कहीं कट जाए, कहीं छिल जाए, या कहीं भी किसी भी तरह का एक्जिमा है, स्किन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, ये कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं इस क्रीम को। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सी क्रीम है, आप इस तरह से बना के इसे स्टोर करके किसी बॉटल में रख सकते हैं। जैसे हमने थोड़े सी क्वांटिटी में बताया है, आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, लेकिन इक्वल अमाउंट पर रखिए। जितना जेल है उतना ही आप कोकोनट ऑयल बना के मिक्स करके आप इस तरह से पका के इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, कोई भी क्रीम लगाने से पहले आपको सिकाई करनी है। जैसे कि मैंने वीडियो पहले अपलोड करके दिया है, आपको मैसेज बताती हूँ कि किस तरह से करना है। गुनगुने पानी में कैस्टर ऑयल डाल के आपको इसे 20 से 25 मिनट के लिए सिकाई करनी है। उसके बाद जब सिकाई कर लेंगे, फिर आप आइस पैक, जैसे हमने बताया है कि आइस पैड बनाना बहुत आसान है, आप आइस क्यूब ले लीजिए किसी भी कॉटन के कपड़े में और फिर इसमें डाल के उसके बाद जब गुनगुने पानी से सिकाई करते हैं, फिर भी इस तरह से आप आइस से सिकाई करिए। इस तरह से अल्टरनेटिव सिकाई करने से जो पाइल्स होती है उसकी जो नसें सूजी होती हैं वो अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं, और अंदर से जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे जब वो सूख जाती हैं धीरे धीरे, तो पाइल्स की समस्या भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये अल्टरनेट ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो पाइल की समस्या आपकी अल्टरनेटली नहीं ठीक होगी, परमानेंटली ठीक होगी। और उसके साथ साथ आपको अपने खाने पे ध्यान देना है, फाइबर फूड खाइए जिससे आप अपना पेट सही कर सकिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कॉन्स्टिपेशन ही नहीं ठीक होगा आपकी, तो आप एक्सटर्नल कितने भी करेंगे वो अल्टरनेटली ही रहेगा, परमानेंटली नहीं होगा। तो आपको खाने पीने का बहुत ध्यान देना है, ऐसे फ्रूट्स खाइए जिसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, ऐसी सब्जियाँ खाइए जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके लिए खीरा बहुत इफ़ेक्टिव है, और साथ साथ जितने भी पानी वाले फल होते हैं, यानी आपको हाइड्रेट अपने बॉडी को रखना है, खरबूजा है, तरबूजा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इस तरह से आंवला जूस आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तरोई की सब्ज़ी तो इसके लिए मेडिसिन का काम है, आप तरोई की सब्ज़ी डेली खाया करिए। साथ साथ बीन्स वाली सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं वो आप खाइए, इसमें फ़ाइबर रिच क्वान्टिटी में पाया जाता है। तो फाइबर युक्त सब्ज़ी, फल, ये सारे आप अगर खाते रहेंगे तो आपकी जो बीमारी है ना वो अंदर से भी ठीक होती रहेगी, यानी पेट आपका अगर हेल्दी हो गया तो आपकी बीमारी भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मूली का जूस बहुत इफ़ेक्टिव है, अगर आपको मूली का जूस मिलता है, आप घर में मूली ले लीजिए कद्दूकस करके, उसका सिर्फ आधा कप डेली मॉर्निंग में खाली पेट पिया करिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये अंजीर बहुत इफ़ेक्टिव है, जैसे हमने बताया है इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है। साथ साथ इन सारे फाइबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी होगी, कम से कम 5 से 6 लीटर पानी आप डेली पिया करिए। आप ये सब करके देखिए, आपकी पाइल्स की समस्या जड़ से ही ठीक हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और लाइक देके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि जब आपके लाइक्स आते हैं तो इंस्पिरेशन होता है हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए। और नेक्स्ट वीडियो हम पाइल्स की एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सी एक क्रीम देने वाले हैं, वो क्रीम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, सो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।